राजधानी देहरादून में विश्व संवाद केंद्र देहरादून द्वारा हिमालय हुंकार की पाक्षिक पत्रिका के विशेषांक मैं और मेरा भारत का विमोचन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अर्जुन पुरस्कार विजेता और पर्वतारोही डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट ने हिमालय की हुंकार पाक्षिक के मेरा भारत और मैं के विमोचन पर संबोधन किया और उत्तराखंड से जुड़े हर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की। इसी दौरान पांचजन्य पत्रिका के संपादक हितेश शंकर ने बताया कि उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर है और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सोच व्यक्तिगत न होकर देश हित में होनी चाहिए, जिससे कि समाज का कल्याण होगा। संघ का दृष्टिकोण समझना है तो संघ वालों से और संघ के प्रवक्ताओं से इस बारे में मीडिया जानकारी ले सकता है, परंतु मैं ये समझता हूँ इस संघ के बारे में या किसी के बारे में आधी अधूरी अधकचरी जानकारी की बजाय को पहले जाके अनुभव करना। इसकी शाखाओं के रास्ते खुले हुए हैं, आप किसी भी पुस्तक का रिव्यू बिना पुस्तक को पढ़े हुए नहीं करते। संघ का रिव्यू बिना शाखा में जाए कैसे कर सकते हैं? जो लोग ऐसा करते हैं ये मानना चाहिए कि उनकी मानसिकता में कहीं ना कहीं खोट है और वो सच बताने से कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं। संघ अभी जैसे विज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ, पूरे देश ने देखा, 23 मुद्दों पर 100 से ज़्यादा सवाल खुलकर सबके सामने आए। हाँ, मुझे लगता है इतना पारदर्शी संगठन, 90 वर्ष की यात्रा, कोई दूसरा संगठन उसे भी ऐसी पहल करनी चाहिए। संघ के मंच पर मुझे किसी तरह का पर्दा नहीं दिखता, ना शाखा में ना आयोजन में, पर जो बात है वो साफ बात है। बाकी कुछ लोगों को ये स्पष्टता आखरती है, क्योंकि वो जो धुंधल का पैदा करना चाहते थे वो इस साफ हुई के आगे टिकता। देहरादून से हितेश त्यागी की रिपोर्ट। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स।